हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। लीजिए, एक बार मैं फिर से आपके सामने आ चुका हूं एक नया टॉपिक लेकर के, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम है यस मैथ्स का चैप्टर है बच्चों, ये सेकंड चैप्टर, इसका नाम है इंश्योरेंस एंड एन्युटी। तो मैं पहले तो आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर का जो वेटेज है वो है, बोलो कितना? जी हाँ, 4 मार्क्स का वेटेज है। तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बट कोई बात नहीं, 4 मार्क का चैप्टर मतलब एक ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इस चैप्टर से एक ही मार्क का क्वेश्चन आता है। हाँ, वो अब ध्यान रहा, इसके अंदर 2 टॉपिक है, क्या इंश्योरेंस और एक एन्युटी। तो इंश्योरेंस से भी पूछ सकता है, एन्युटी से भी पूछ सकता है, तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि एग्जैक्टली हाँ किसके पूछे किससे नहीं पूछे। बट देखते हैं कि 5 साल के क्वेश्चन पेपर में किसको कितनी बार पूछा है, और उससे जज लगाने की कोशिश करेंगे, चेक करने की कोशिश करेंगे कि कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, इंश्योरेंस वाले पे कि एन्युटी वाले पे। सो चलो, ये रहा हमारा मार्च 2016 का पहला क्वेश्चन। क्या बोला? कार वैल्यूड एट 4 लाख इज इंश्योर्ड। ये मेरा इंश्योरेंस का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना। So, मार्च 2016 ने मार दी बाजी इंश्योरेंस एन्युटी में। किसको मार दिया? यस, इंश्योरेंस को। लेकिन जैसे ही मैं आगे गया 17 में, नॉट प्रेडिक्टेबल, मतलब कौन सा क्वेश्चन आ गया आपके? जी हाँ मेरे बच्चों, एन्युटी का क्वेश्चन आ चुका है। वो भी कौन सा? इमीडिएट एन्युटी का। देख रहे हो ना एकदम बढ़िया तरीके से। सो 16 में पूछ दिया इंश्योरेंस, 17 में पूछ दिया एन्युटी, मतलब अभी तक 50-50 पे चल रहे हैं। अब आते हैं मार्च 18 पे। लो, मार्च 18 में इसने इंश्योरेंस का क्वेश्चन पूछा, साथ ही साथ एन्युटी का भी क्वेश्चन पूछ दिया। लो भाई, यही बोला है ना, एवरी मंथ। यस, आई थिंक ये भी इंश्योरेंस का ही है, राइट बच्चों? ये भी इंश्योरेंस का ही, नहीं मुझे लगता है एन्युटी का, क्योंकि पर्सन बॉट अ टेलीविजन सेट टू टर्न ऑन कैश एंड प्रॉमिस टू पे 1 लाख। यस, ये भी आपका एन्युटी का ही क्वेश्चन है। यस फ्रेंड्स, परफेक्ट। So, ये आपका दिया है एन्युटी का क्वेश्चन, तो इंश्योरेंस एन्युटी दोनों पूछ दिया। अभी भी 50-50% चांसेस है दोनों आने के। लो, द प्रीमियम ऑन प्रॉपर्टी वर्थ, अगेन इंश्योरेंस आ गया, मतलब इंश्योरेंस का पलड़ा यहां पे भारी हो गया है एज कंपेयर टू एन्युटी, क्योंकि मार्च 2019 में किसके बारे में क्वेश्चन पूछा? इंश्योरेंस के बारे में। दो क्वेश्चन कैसे बच्चों? Right now, find the premium on property worth ₹12,50,000 at 3% if the property is insured to the extent of 80%. ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवाए हुए हैं, है कि नहीं? Yes. आते हैं मार्च 2020 में। लो यार, इस चैप्टर में तो बड़ा दिक्कत है, क्योंकि पहला क्वेश्चन इंश्योरेंस के ऊपर, दूसरा एन्युटी के ऊपर। बट इससे ये मालूम पड़ता है, अगर मैं एनालिसिस करना चाहूंगा इस पूरे चैप्टर का, तो इससे मालूम पड़ता है कि भाई चाहे वो इंश्योरेंस हो चाहे वो एन्युटी हो, मतलब मैं पहला प्रेफरेंस दूंगा इंश्योरेंस को, राइट? कि मैक्सिमम टाइम पे पहले इंश्योरेंस का क्वेश्चन पहले पकड़ते हैं, उसके जो दूसरा प्रेफरेंस है मैं दूंगा उसको एन्युटी को, राइट? ध्यान देना। सो मैक्सिमम प्रेफरेंस दूंगा मैं, और हाँ, जो प्रेफरेंस है गाइस 55% एंड 45% का है, राइट? बहुत ज्यादा गैप नहीं है, मतलब आप ध्यान देना। मैं आपको इस चैप्टर में बता देना चाहता हूं कि चैप्टर डिफिकल्ट थोड़ा भी नहीं है, क्योंकि चाहे इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन हो चाहे एन्युटी वाला क्वेश्चन हो, इवन एन्युटी में भी आप देखोगे ना लगभग सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, इमीडिएट एन्युटी है जो भी है, राइट? आप देखोगे तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे नंबर चेंज किया और एक दो क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के है। बस आप पूरा एक्सरसाइज कर दो, आपको एन्युटी क्लियर हो जाएगी। सिमिलरली इंश्योरेंस में भी लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन गाइस एक ही टाइप के है, परफेक्ट। तो चैप्टर डिफिकल्ट थोड़ा भी नहीं है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर मैं बोल सकता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों का इसमें से अगर 4 मार्क का कोई भी क्वेश्चन बने तो वो जाना नहीं चाहिए, गलती से भी गलती नहीं करना कि सर इंश्योरेंस एन्युटी छोड़ दे क्या। नहीं यार, वर्ड प्रॉब्लम है, एन्युटी के लिए 2 फॉर्मूला याद करना है, इंश्योरेंस के लिए 1-2 फॉर्मूले, इंश्योरेंस के फॉर्मूले ही नहीं चाहिए, बस आपका दिमाग होना चाहिए कि भाई क्या होता है, बराबर। सो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये चैप्टर 4 मार्क्स का है और लगभग इंश्योरेंस एन्युटी दोनों पूछता है, सो आप दोनों स्टडी करो, परफेक्ट। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली इस चैप्टर में क्या और कैसे इसको हैंडल करना है मेरे बच्चों। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड अगर कभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और साथ ही साथ बाकी वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। सो बाय बाय।